गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सभी लोग का अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। अपना सेशन हम लोग लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम लोग आज जो है चर्चा करेंगे पॉलिटी के रिवीजन एमसीक्यूज पर। जैसा कि आपको पता है, एग्जाम हम लोग का यूपीपीएससी का बहुत नज़दीक है, तो ऐसे में एक क्विक रिवीजन जो है बीच बीच में जरूरी है। जैसा कि हम लोग अभी कंटिन्यू अपनी चीज़ें कर रहे हैं इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का थ्योरी सेशन, तो कुछ एमसीक्यूज भी हम लोग लेकर आ रहे हैं। अभी मैं पॉलिटी के लेकर आया हूँ, उसके बाद मैं इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज भी इस तरीके से लेकर आऊँगा। चलिए शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। तो पॉलिटी रिवीजन एमसीक्यू सेशन है ये हम लोग का। मैंने प्रशांत शुक्ला है, मैंने एमए किया है लोक प्रशासन विषय, साथ में एलएलबी हूँ, 4 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस उत्तर प्रदेश लोक सेवा की परीक्षा क्रम में, वैकल्पिक विषय लोक प्रशासन, प्लेस पॉइंट ऑफ पॉलिटी और करंट अफेयर का सेशन आप लोग लेकर आता हूँ। अन अकेडमी के किसी भी कोर्सेस में एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड मेरा कोड PH10 यूज करके आप 10% डिस्काउंट जो है प्राप्त कर सकते हैं, उपलब्ध सभी ऑफर्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो पॉलिटी रीजन एमसीक्यू की हम लोग करते हैं शुरुआत। चलिए तो शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, और ये सीरीज जो है बाइलिंगुअल जो है आप लोगों तक उपलब्ध मैं कराने का प्रयास जो कर रहा हूँ, लगातार इसको बाइलिंगुअल रख। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ रिक्त होने पर भारत के नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होने तक राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? क्वेश्चन नंबर 1। अगर एक साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद अगर रिक्त हो जाते हैं, तो ऐसे में उपराष्ट्रपति के पद का निर्वहन कौन करेगा, यह पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है, तो ऐसी दशा में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है क्या करेंगे, एज अ कार्यकारी राष्ट्रपति का पद जो है धारण करेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति रहेगा, रिपीट करके क्वेश्चन। आर्टिकल 70 में प्रावधान किया गया, ध्यान रखिएगा इस चीज का, कि अगर दोनों उपस्थित नहीं है तो आर्टिकल 70 के जो है प्रावधान करता है कि उस संदर्भ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करें। संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित की गई है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है, क्वेश्चन नंबर 2। रखिएगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, इसका प्रावधान आपके आर्टिकल 53 में किया गया, मैं आर्टिकल 53 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित की गई है, अभी इसका पिछले क्वेश्चन से तो आंसर निकल आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूजन करके आंसर जो है प्रधानमंत्री जो है लिख कर आ जाते हैं, जो कि गलत होता है। कार्यपालिका शक्ति जो है वो किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति के, ठीक है, आर्टिकल 53 में इसका प्रावधान किया। रिपीट कर देना क्वेश्चन। हाँ, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है, गणतंत्र का प्रमुख पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? देखिए, हमारे यहाँ पर जो व्यवस्था है भारत में वो किस प्रकार की है, हम लोकतंत्र भी हैं और प्लस गणतंत्र भी है, ध्यान रखना इस चीज का। लोकतंत्र ब्रिटेन में क्या है, लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है, क्यों? क्योंकि उनका जो प्रमुख होता है राजा, वो चुन के नहीं आता है, वो वंशानुगत होता है, और हमारा जो गढ़ का प्रमुख है यानी कि कौन, राष्ट्रपति, वो चुन के आता है, इसलिए हम भारत में लोकतंत्र के साथ गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी देखते हैं, ठीक है, हम लोकतंत्र के साथ गणतंत्र भी है।
आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकता है कैसे? क्वेश्चन नंबर 7, आकस्मिक निधि जिसका प्रावधान कहां पे किया गया? आर्टिकल 267 में प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 267 में पूछा जा रहा है। इस पे आपको पता है किस पर अनन्य शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, तो राष्ट्रपति जो है आकस्मिक निधि को खर्च कैसे कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दीजिएगा, बिफोर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, संसदीय स्वीकृति से पूर्व भी राष्ट्रपति आकस्मिक निधि को खर्च कर सकते हैं। और आकस्मिक निधि को रखा इसलिए गया है कि विशेष परिस्थितियों में, आपातकालीन स्थितियों में जो इसका प्रयोग किया जा सके। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति को रोक ले? क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है जो किसी बिल पर अपनी अनुमति को क्या कर सकता है, रोक सकता है? ध्यान देना है, आर्टिकल 111, आर्टिकल 111 में, आर्टिकल 111 में तीन प्रकार का काम राष्ट्रपति करते हैं। पहला, अनुमति दे देते हैं, दूसरा लौटा देते हैं, और तीसरा क्या है, अपने पास रख लेते हैं अनिश्चित काल के लिए। इसी को पॉकेट वीटो कहा जाता है, इसी को पॉकेट वीटो कहा जाता है। और ये सारे प्रावधान कहां पे किए गए? आर्टिकल आपके 111 में, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का शक्ति प्रदान करता है? देखिए, भारत का राष्ट्रपति कानून के संदर्भ में या किसी संवैधानिक मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा कर सकता है। और इसका प्रावधान कहां पे किया गया? आर्टिकल 143 में किया गया। यह निश्चय करने का अधिकार कि कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? देखिए, आज ही के अखबार में आया है कि इतनी सारी जातियों को उत्तर प्रदेश में एसटी का दर्जा जो है दिया जा रहा है, ठीक है। तो किसी जाति को अनुसूचित जनजाति और जाति मानने का प्रावधान जो है करने का अधिकार किसको दिया गया? कि इस संदर्भ में जो शक्तियां दी गई हैं वो दी गई हैं राष्ट्रपति। कोई जाति अनुसूचित जाति होगी या नहीं होगी या उसको अनुसूचित जाति में शामिल करने का अधिकार जो है भारत में किसको दिया गया है? राष्ट्रपति। निम्न में कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11, नहीं, ये पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर है बी, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ये संवैधानिक अधिकार में शामिल नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि वित्तीय बिल जो होता है, यानी कि मनी बिल जो होता है,
उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। ऐसे में राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। ठीक है, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है कितने सदस्य राज्यसभा में? क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 12, द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर्स इन राज्यसभा? क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान रखिएगा, 12 मेंबर्स को, 12 मेंबर्स को राज्यसभा में मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास। सेम हो गया क्वेश्चन 12। लोकसभा में आंगल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा में आर्टिकल 331 के माध्यम से दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने की शक्ति दी गई थी। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 105वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया है, इसको समाप्त कर दिया गया है। ये क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है इस बार कि आंगल भारतीय समुदाय में कितने मनोनीत किए जाते थे। ध्यान रखिएगा, दो लोगों को मनोनीत किया जाता था। इसका प्रावधान आर्टिकल जो है किया गया था आपका 331 में, और इसे 105वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो ये पूछा जा सकता था कि आंगल भारतीय जो समुदाय के सदस्य थे उनको मनोनीत करने का अधिकार किसके पास था। ध्यान रखिएगा, ये अधिकार जो था राष्ट्रपति के पास था। ठीक है, इसी साथ ही आर्टिकल 333 के माध्यम से एक एंग्लो इंडियन को विधानसभा में मनोनीत करने का जो अधिकार था किसके पास था, वो था आपके सॉरी राज्यपाल के पास, ये अधिकार। तो अभी दोनों को ही 105वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के दो सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? पिछले क्वेश्चन का एडिशनल पार्ट है, इसमें संख्या नहीं दी गई थी, इसमें संख्या दी गई। इसको दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत राष्ट्रपति लोकसभा में करते थे अभी तक। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता किस चीज का? क्वेश्चन नंबर 16। एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए सभी लोग प्लीज। क्वेश्चन नंबर 16, आसान क्वेश्चन है। लिखा है कि राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, राज्यों की मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है भाई? राज्यपाल करता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति का काम नहीं है, किसका है? राज्यपाल। बाकी सभी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होना और किसी भी भाग में देश के आपातकाल को लागू करना, ये सभी अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति ने निशेषाधिकार की शक्ति का स्वरूप है किस प्रकार का? क्वेश्चन नंबर 17, मतलब कि किस प्रकार की वीटो पावर्स हमारे राष्ट्रपति को उपलब्ध है। देखिए, ये सभी की सभी वीटो पावर्स राष्ट्रपति को उपलब्ध है, हमारे संपूर्ण विशेषाधिकार, निलंबनकारी विशेषाधिकार और पॉकेट विशेषाधिकार। लेकिन अगर हम व्यवहारिक दृष्टि से देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पॉकेट वीटो अधिकार, यानी पॉकेट वीटो ही जो है स्पष्ट रूप से हमारे राष्ट्रपति को उपलब्ध है। अन्य जो है सिर्फ और सिर्फ प्रावधान तो उनके हैं, लेकिन वो संपूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं कैसे? नंबर 18,
नंबर 18, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग खुद स्वयं कर सकते हैं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से, अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है कहां से? राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो कहां से ली गई है ये पूछा। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति हमने जो ली है वो कहां से ली है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? जो 1935 के अधिनियम से अध्यादेश की शक्ति दी गई थी राष्ट्रपति को, वो पूछा जा रहा किस आर्टिकल में उसका प्रावधान किया गया? नंबर 20। लीजिएगा आर्टिकल 123, ठीक है, आर्टिकल 123 में जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति किस प्रकार की शक्ति है? नंबर 21। राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति किस प्रकार की शक्ति है? राष्ट्रपति को कई प्रकार की शक्तियां दी गई हैं, उनको कई वर्गों में बांटा गया है, जैसे विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, कार्यकारी शक्ति, सैन्य शक्ति, बहुत सारी शक्तियों में बांटा गया है, ठीक है। वैदेशिक शक्ति, उसी में एक शक्ति है क्षमादान की शक्ति, वो बेसिकली किस में आती है? ध्यान दीजिएगा, ये जो है जुडिशियल पावर के अंतर्गत, न्यायिक शक्ति के अंदर राष्ट्रपति के, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के क्षमादान का प्रावधान किया गया? जो भी हमने बात की एक शक्ति के अंतर्गत आती है, का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 22। ध्यान रखिएगा, क्षमादान की शक्ति जो है आर्टिकल 72 में दी गई है, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति दी गई सजा जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा उसको क्षमा। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या कर सकता है एक काम? क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से एक की शक्ति राष्ट्रपति में निहित नहीं है, कौन सी? तो इसका आंसर है, आप ध्यान रखिएगा, टू रिमूव द जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को राष्ट्रपति नहीं हटाते हैं, इसको जो है एक प्रोसीजर के तहत पहले किसी एक सदन में या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, ये सुप्रीम या लोकसभा या राज्यसभा में लाया जाता है, और वहां पे दो तिहाई बहुमत से पारित होने के बाद ही जो है इसको अपने पद से हटाया जाता है, सीधे राष्ट्रपति इनको पद से हटाया नहीं सकते। संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? शब्दशः पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24।
ध्यान दीजिएगा, संसद के सदनों को संदेश भेजना, इस प्रकार की कोई शक्ति शब्दशः जो है संविधान में नहीं उल्लेखित की गई है राष्ट्रपति के संदर्भ। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं? क्वेश्चन नंबर 25। उपरोक्त सभी की ध्यान दीजिएगा, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति, सीएजी की नियुक्ति और महान्यायवादी की नियुक्ति, इन सभी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता पूछा जाए, क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से एक की राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता, किसकी नहीं करता ये पूछा जा रहा है। किसकी नहीं करता? उपराष्ट्रपति की नहीं करता, क्योंकि उपराष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है। ध्यान दीजिएगा कि नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपके राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे कौन? सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एन संजीव रेड्डी, एन नीलम संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र में राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो नंबर 28। राष्ट्रपति के रूप में क्या नंबर है इनका? ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के रूप में इनका क्रम क्या है? 12वां है। ठीक है, कौन सा है? 12वां। ध्यान रखिएगा, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? नंबर 29। जब 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ध्यान बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखिएगा, फखरुद्दीन अली अहमद टाइम पे भारत के राष्ट्रपति थे जब आपातकाल की घोषणा 1975। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहां पर लागू किया गया था? आर्टिकल 356 के तहत सबसे पहले राष्ट्रपति शासन भारत में कहां पर लागू किया गया? बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखिएगा, पेप्सी राज्य जो था वहां पर जो है इसको लागू। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अनअकैडमी पर आपको आना कैसे, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, अपना मोबाइल नंबर डालकर उसको रजिस्टर करना है। सर्च गोल में आपको सर्च करना है यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, आपको फ्री क्लासेस और टेस्ट दिखाई देने लगेंगी।
इन फ्री क्लासेस और टेस्ट सीरीज को अनलॉक करने के लिए आपका मेरा कोड PS10 यूज करके आप इसे अनलॉक कर सकते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो कभी भी कहीं भी रिकॉर्डेड लाइव सेशन देखने का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी बेस्ट एजुकेटर के साथ जुड़ने का एक्सेस, मल्टीपल कोर्सेज, स्ट्रक्चर पेडागॉजी, एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार स्टडी सेशन, मास्टर क्लासेस, अनलिमिटेड क्विजेस, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन आपको यहाँ पर मिलते हैं। इसी क्रम में बात करें तो देखिए 30 अप्रैल से आपको एक टेस्ट सीरीज की शुरुआत की जा चुकी है जिसमें UPSC प्लस बूस्टर टेस्ट सीरीज है ये, और अगर फ्री टेस्ट सीरीज चाहिए तो 15 मई को आपको मिलेगी 8 PM पर टेस्ट, जो कि UPSC से क्वेश्चंस के तुलना में वैसे ही होंगे, और एक फुल लेंथ टेस्ट आपको 29 मई को मिलेगा जिसमें एकदम 150 क्वेश्चन, 120 मिनट और 200 मार्क्स की होगी। एक पेपर से पहले पेपर का रिवीजन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर हम बैच कोर्सेज की बात करें तो 27 अप्रैल से आपका एक लक्ष्य नामक एक बैच जो है शुरू हो चुका है नया, जो कि 2023 पीसीएस की प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा के लिए है। प्लस कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड मेरा कोड PS10 यूज करके आप 10% डिस्काउंट के साथ एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरीके से 13 अप्रैल से एक लक्ष्य नामक बैच चल रहा है जिसमें 1 PM पर आपको मेरी पॉलिटी क्लासेस मिल रही है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स अजय सर का उपलब्ध है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, हिंदी लिटरेचर उपलब्ध है। 6 तारीख से सुशांत सर का साइंस टेक का बैच चल रहा है, आप लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चे सिर्फ वीडियो एग्जाम देना चाहते हैं, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने कोर्सेस ले सकते हैं। 10% डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। जो लोग लेखपाल में एग्जाम में लगे हुए हैं, वो लोग सिंगल लेखपाल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, और यहाँ पे भी मेरे रेफरल कोड के माध्यम से 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। कॉन्स्टेबल वाले बच्चे भी आप ले सकते हैं, 10% डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड PS10 यूज कर सकते हैं। बच्चों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, अपर PCS, लोअर PCS, RO, UPSI, UPSSSC, लेखपाल, BU और अपने सब्जेक्ट के लिए हमें अलग अलग कोर्सेज एडमिशन लेना होगा। मतलब सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको इस सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर हम फीस की बात करें इसकी, तो जो 24 महीने की फीस है 14,999, 12 महीने की फीस जो है 10,299, 6 महीने की जो फीस है 8,399। रेफरल कोड आप मेरा कोड PS10 यूज करते हैं, आपकी फीस जो है 24 महीने घट के 13,499, 12 महीने की फीस आपकी घट के 9,269, 6 महीने की फीस घट के आपकी 7,559 हो जाती है। रेफरल कोड याद रखिएगा, आपको PS10 यूज करना है। सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन बिहार यूपी कंबाइंड तैयारी कर सकते हैं आप 6 महीने 12 महीने कोर्सेस पर। बक्स बाउंटी कार्यक्रम कृषि वीडियो को शिकायत अकेडमी। निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में ये भी विशेषाधिकार यानी कि पॉकेट वीटो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31। पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति कौन थे इनमें से? एक बार सेशन को लाइक प्लीज कर दीजिए सभी लोग, और शेयर भी कर दीजिए। ज्ञानी जैल सिंह ने किया, ठीक है। पॉकेट वीटो किसने कहा कि राष्ट्रपति की आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? ये स्टेटमेंट किसका है? क्वेश्चन नंबर 32। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां संविधान के साथ धोखा है, ये स्टेटमेंट किसका है? ये आजकल UPSC में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है जा रहे हैं। आंसर है आपका KM नामबियार का है। किसका है? KM वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह उक्ति किस पर लागू होती है? क्वेश्चन नंबर 33। राष्ट्रपति पर युक्ति लागू होती थी, ठीक है। क्यों लागू होती है? क्योंकि राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, लेकिन अगर असली शासन देखें तो किसका होता है? प्रधानमंत्री का। निम्नांकित में से भारत के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है, किसने? क्वेश्चन नंबर 34।
एक ऐसे चीफ जस्टिस जो कि राष्ट्रपति यानी कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं, उनका नाम पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, जस्टिस एम हिदायतुल्ला जो है मात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं कार्यकारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहां से थे, किस राज्य से? आसान क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे पहले राष्ट्रपति, कहां से थे वो? बिहार से। निम्नलिखित में से कौन सा, एक मिनट इसमें थोड़ा सा एरर हो गया, टाइपिंग एरर। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? क्वेश्चन नंबर 37। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? क्वेश्चन नंबर 37। देखिए इसमें जो है संसद के दोनों सदनों के द्वारा निर्वाचित होते हैं ये, और यहां पर समस्त जो सदस्य होते हैं सम्मिलित होते हैं, यानी कि नियुक्त और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन। भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? क्वेश्चन नंबर 38। कौन तय करता है भाई? अगर कोई विवाद हो जाता है उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में तो उस पर अंतिम निर्णय जो होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, यदि मृत्यु त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? ध्यान रखिएगा, ऐसी स्थिति में कार्यभार संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भी नहीं होंगे तब कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नांकित में से कहां प्रस्तावित किया जा सकता है? हटाने के लिए संकल्प जो है कहां बनाया जा सकता है? 40। उपराष्ट्रपति को अगर हटाया जाना है तो उसके लिए संकल्प जो है कहां पर लाया जाएगा अनिवार्य रूप से? देना है केवल राज्यसभा, अगर उपराष्ट्रपति, क्योंकि राज्यसभा का पदायन सभापति होते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति सॉरी, तो ऐसी दशा में जब उनको कभी हटाया जाएगा तो संकल्प जो है कहां लाया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ निम्न में कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? ध्यान रखिएगा, निम्न में कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, हेलो।
स्वागत है आप। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है किस प्रकार से? लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन किस प्रकार होता है? ध्यान दीजिएगा, जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो उनके सदस्यों द्वारा ही, यानी कि लोकसभा मेंबर्स के द्वारा ही अपने में से चुना जाता है, ठीक है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। नहीं, टी होगा, ठीक है, ओके। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर कैसे चुना जाता है? क्वेश्चन नंबर 43। कैसे चुना जाता है लोकसभा का स्पीकर भारत में? ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, शब्द यहां पर इस्तेमाल होगा चयनित। लोकसभा के सदस्य अपने में से ही चयन करते हैं एक व्यक्ति का, ठीक है, तो चयनित किया जाता है लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा के स्पीकर किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देता है? क्वेश्चन नंबर 44। एक बार सेशन को लाइक शेयर प्लीज सभी लोग कर दीजिए। फोर्टी फोर, तो जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देता है, दोनों का वाइस वर्सा चलता है, ठीक है। पटेल को निम्न में कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? क्वेश्चन नंबर 45, बताइए कौन एक ऐसा है जो अपने पद की शपथ नहीं लेता निम्न में से? क्वेश्चन ही क्वेश्चन आता है तो गलतियां बहुत होती है इस क्वेश्चन में लोगों से। सही, कौन जो है अपने पद की शपथ नहीं लेता दिए गए विकल्पों में? ठीक, कह रहे हैं भैया कि 45 का ए, राष्ट्रपति पद की शपथ नहीं लेते हैं। बिल्कुल, स्पीकर, ध्यान दीजिएगा, जी नहीं, स्पीकर, जो लोकसभा के स्पीकर होता है ना वो सदस्य शपथ नहीं लेता है लोकसभा स्पीकर के रूप में, क्योंकि वो ऑलरेडी शपथ ले चुका होता है लोकसभा सदस्य के रूप में, ठीक है, इसलिए। हाँ, स्पीकर, ठीक है। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहा होता है तो उन्हें यह अधिकार प्राप्त है कि वह क्या एक कार्य कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 46 पढ़ के उत्तर दीजिए। अच्छा सवाल है, टीसीएस लेवल सवाल। ठीक बताइए क्या कर सकते हैं जब अगर एक उपाध्यक्ष जो होता है लोकसभा का वो एज ए स्पीकर कार्य कर रहा हो तो क्या एक शक्ति उसको मिल जाती है? क्वेश्चन नंबर 46। नहीं, डी नहीं, सी रखते हैं, सी। देखिए क्या कह रहा, मत बराबर होने की अवस्था में मतदान कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली लोकसभा के स्पीकर और
डिप्टी स्पीकर जो है अपने मत का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जब मामला टाई हो जाता है तब ये लोग ऐसा कार्य करते हैं, फाइनल अपने वोट देते हैं। लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? 47। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बता रहे हैं आप लोग ए हर्षिता, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उस सदन का सबसे वरिष्ठ नेता होता है और उसका काम सिर्फ होता है जो नई निर्वाचित लोकसभा होती है उसका शपथ ग्रहण कराना, ठीक है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो सही कर लीजिएगा इसको, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 48। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? पिछले ही क्वेश्चन में खैर इसका मैंने जवाब आप लोगों को दे दिया, तो फिर भी अगर ये क्वेश्चन के रूप में आता है और आया हुआ क्वेश्चन है ये, देखिए इसका आंसर है आपका सी, नव निर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को जो है क्या बनाया जाता है? प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? क्या काम होता है प्रोटेम स्पीकर का? देखिए एक ही काम होता है इनका, जो नए सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाना, ठीक है, उनको शपथ दिलाना, और उसके बाद इनका काम खत्म हो जाता है और ये समाप्त हो जाता है। भारत में लोकसभा के लिए प्रथम सामान्य निर्वाचन कब हुए थे? क्वेश्चन नंबर 50। पहली बार लोकसभा के निर्वाचन यानी चुनाव कब हुए थे ये पूछा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 50। सबसे पहले 1952 में जो है क्या हुए थे निर्वाचन? भारत में प्रथम आम चुनाव, सॉरी रिपीट कर गया, कब आयोजित हुए थे? आम चुनाव को ध्यान रखिएगा, लोकसभा चुनाव को आम चुनाव के नाम से भी जाना जाता है, तो लोकसभा का पहली बार चुनाव कब हुआ था? 1952, ठीक है। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल ध्यान रखिएगा,
लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और पंचायत का चुनाव लड़ना 21 वर्ष आपकी न्यूनतम एज होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सका कितना वोट, इतना वोट नहीं मिलने पर कुल पड़े वैध मतों का अगर इससे कम मिला है आपको तो आपकी जमानत क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। देखिए इसका आंसर बता दें क्योंकि ऑप्शन में नहीं, डी होगा 1/6। ठीक है, राष्ट्रीय आपात के मध्य भारत के संविधान के अंतर्गत लोकसभा की 5 वर्ष की अवधि को एक बार में बढ़ाया जा सकता है कितना है, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल जब लगा हो तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने साल तक बढ़ाया जा सकता है। नंबर 54, ध्यान दीजिएगा, एक बार में कितना बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है अब राष्ट्रीय आपातकाल के समय। हाँ बिल्कुल, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना क्या कहलाती है। नंबर 55, इस घटना को किस नाम से जानते हैं पॉलिटी की भाषा में, इस घटना को बोलते हैं एल्डिंग द फ्लोर, बैठ जाना। ठीक है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है किस माध्यम से, क्वेश्चन नंबर 56, लोकसभा की बैठक कैसे समाप्त की जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है आंसर है इसका ऑल ऑफ द एबव, जो लोकसभा की बैठक होती है स्थगन के द्वारा खत्म हो सकती है, रोकी जा सकती है। सत्र जब खत्म हो जाते हैं, हमारे यहाँ 3 सत्र हैं आपको पता होगा, पहला है बजट सत्र, दूसरा होता है हम लोगों का मानसून सत्र और तीसरा है हमारे यहाँ पर शीतकालीन सत्र। तो सत्र के समापन से स्थगन के माध्यम से जो स्थगन करता है लोकसभा का अध्यक्ष, और विघटन के माध्यम से जो है क्या हो सकता है लोकसभा की बैठक को या लोकसभा को समाप्त किया जा सकता है, तीनों ही नहीं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र को अवसान करने के लिए प्राधिकृत है, बताइए, क्वेश्चन नंबर 57। ये 8 बजे से डेली क्लास होती है, 8 PM से। ठीक है, 8 PM पे डेली क्लास आप लोगों को मिलती है पॉलिटी की। क्वेश्चन नंबर 57, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति, ठीक है, लोकसभा के सत्र को अवसान करने यानी कि रोकने की जो शक्ति है वो किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है, क्वेश्चन नंबर 58, एक बार सेशन लाइक शेयर से जरूर कर दीजिएगा सब लोग। क्वेश्चन
नंबर 58, लोकसभा को राष्ट्रपति कब भंग कर सकता है? ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, किस प्रकार? धन्यवाद से। क्वेश्चन नंबर 59, आप लोग को अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना हो, रेफरल कोड, मेरा कोड TS10 यूज करके आप लोग 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। 31 मार्च यानी कल जो है, कल के बाद फीस बढ़ने वाली है हर सेक्शन की अनअकैडमी के, तो आप लोग 10% का डिस्काउंट तो पुरानी फीस के साथ एडमिशन ले सकते हैं मेरे रेफरल कोड के माध्यम से। इसके साथ साथ 7 बजे ऊपर कमेंट बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है, 7 PM पे डेली करंट अफेयर का सेशन मैं उपलब्ध कराता हूँ ऐप पर, जो कि पूरी तरीके से फ्री होता है सभी के लिए, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 ध्यान रखिएगा, 59 का डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, विवेक से नहीं कर सकते अपने, प्रधानमंत्री अगर सिफारिश करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के हेड होते हैं और सिफारिश करते हैं कि कार्यकाल पूरा होने से पहले इसको इस कारण से भंग कर दिया जाए, तो राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, लोकसभा का नेता कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 60, एक मिनट का समय दीजिए। खिड़की खुली रह गई थी, बाहर से बहुत शोर आने लगे। तो लोकसभा का नेता कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 60 ध्यान दीजिएगा, प्रधान मंत्री, ये बात कुछ थोड़ी इसमें चेंजेस हो गए हैं। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहां से दी जाती है, यानी कि रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज को पेंशन कहां से दी जाती है? ध्यान दीजिएगा, कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से दी जाती है। ठीक है, जो उनको सैलरी दी जाती है, हाँ स्किप कर दिया था मैंने हर्षिता, क्योंकि उसमें थोड़ा सा फॉल्ट था। जो सैलरी मिलती है वो तो मिलती है जिस राज्य में के हाई कोर्ट में होंगे वहां की संचित निधि से, लेकिन जब रिटायर हो जाते हैं तो भारत की संचित निधि से क्या होता है, इनको पेंशन दी जाती है। ठीक है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है कहां पर? क्वेश्चन नंबर 63 ध्यान दीजिए, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ कहां होती है? हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तदर्थ न्यायाधीशों की होती है, कार्यकारी नहीं। अंडमान निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का एक क्षेत्राधिकार है? क्वेश्चन नंबर 64 किसका उत्तराधिकार है भाई? रखिएगा, कलकत्ता, कलकत्ता उच्च न्यायालय का पर क्षेत्राधिकार चल रहा है। भारतीय संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता क्या? क्वेश्चन नंबर 65
दीजिएगा, अधिकरण का न्यायाधीश, ट्रिब्यूनल जज। क्यों? क्योंकि ट्रिब्यूनल जज जो होता है हाईकोर्ट के जज के समतुल्य होता है, डिस्ट्रिक्ट जज के समतुल्य नहीं होता। ठीक है, आप लोग प्रोफाइल फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, इसके माध्यम से आप मेरी कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं। जो भी अपडेट्स होते हैं यहाँ पे कम्युनिटी पे अपडेट कर दी जाती है रेगुलर बेसिस पे, आप लोग कम्युनिटी को चेक कर सकते हैं। अपने डेली 7:30 PM पर करंट अफेयर का सेशन आपको मिलता है, फ्री सेशन है करंट अफेयर का, बेहतरीन सेशन करंट अफेयर का आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है। टेलीग्राम का ग्रुप है, इसको ज्वाइन करके आप PDF नोट सभी क्लासेस का लिंक प्राप्त कर सकते हैं आप लोग। लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा। अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड मेरा कोड PS10 यूज करके आप 10% का डिस्काउंट जो है प्राप्त कर सकते हैं। डेली 6 PM पर आपको सेशन मिलता है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।